Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. अम्मी ये जैकेट देखें, कितनी अच्छी है ना, मुझे ऐसी ही जैकेट चाहिए थी। प्लीज अम्मी हम इसे खरीद ले, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ना बेटा, एक सेकंड, पहले मैं देख लूँ जरा। हाँ है तो बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव है। इट्स ओके अम्मी, छोड़े इसे, मैं कोई और सी जैकेट ले लूंगा। इट्स ओके अम्मी, छोड़े इसे, मैं कोई और सी जैकेट ले लूंगा। नहीं भाई, हम वही जैकेट लेंगे जो हमारे बेटे को पसंद है। थैंक यू सो मच अम्मी। मैं इसे पहन कर दिखाता हूँ। वाकई ये तो सूट कर रही है तुम पे। मैं इसे कल राशिद की बर्थडे पार्टी में पहन कर जाऊंगा। अच्छा ना भाई, पहन लेना। मैडम, आज हमारे लकी ड्रॉ का लास्ट डे है जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। अगर आप इसमें शामिल होना चाहती हैं तो ये कार्ड फिल करके इस बॉक्स में डाल दीजिए। अम्मी, मेरे शूज कहाँ हैं? मैंने उठा के शू रैक में रखे हैं, वहां से ले लो। स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। वाओ हारिस, बहुत ही अच्छी जैकेट पहनी है तुमने। थैंक यू, कल मैं अम्मी के साथ शॉपिंग पे गया था, वहीं से लाया हूँ। अरे आप लोग अभी तक यहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अम्मी, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, पर देखो ज्यादा देर मत करना। ठीक है अम्मी। आंटी, अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चले कासिम भाई, देर हो रही है। क्या हुआ कासिम भाई? वो लगता है टायर पंचर हो गया है। तो अब क्या होगा? बेटा ये सामने ही दुकान है, 2 मिनट में पंचर लग जाएगा। बेटा जरा देखना। बस अभी आया साहब। सुनो, इतनी सर्दी हो रही है और तुमने सिर्फ ये टी शर्ट पहनी हुई है, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती? हाँ सर्दी लगती तो है, पर क्या करूँ, मेरे पास कोई गर्म कपड़े ही नहीं है, बस इसी से गुजारा कर लेता हूँ, और जब ज्यादा सर्दी होती है तो काम पे नहीं आता। ये ले जी, हो गया। ये लो। कासिम भाई गाड़ी रोके। हाँ? क्या हुआ बेटा? गाड़ी रोकिए प्लीज। ये लो, ये तुम रख लो। ये तो आपकी जैकेट है साहब, मैं कैसे ले लूं? कोई बात नहीं, मेरे पास और भी हैं। ये तुम रख लो। हारिस वहाँ क्यों गए थे? और तुम्हारी जैकेट कहाँ है? जैकेट मैंने उस पंक्चर वाले बच्चे को दे दी। लेकिन तुमने क्यों दी? देखो फ्रेंड्स, हमारे पास तो गर्म कपड़े हैं पहनने के लिए, लेकिन उसके पास नहीं थे। अगर मैं उसे अपनी जैकेट नहीं देता तो उसे ठंड लग जाती, वो बीमार हो जाता। वेरी गुड हारिस, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पार्टी कैसी थी? हाँ अच्छी थी। हारिस तुम्हारी जैकेट कहाँ है? वो मैंने किसी को दे दी। क्या मतलब दे दी? अम्मी
राशिद के घर जाते हुए हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और वो जो पंक्चर लगाने वाला बच्चा था उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैंने जैकेट उसे दे दी, वरना वो बीमार हो जाता। शाबाश बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। हाँ वाकई, अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, जैसे तुमने रखा। अम्मी आप नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, ये नाराज होने वाली बात थोड़ी है, तुमने अच्छा काम किया। अब जाओ, जाकर चेंज करो और सो जाओ, सुबह स्कूल है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। हारिस, आतिफ ने हमें बताया कि कल किस तरह आपने उस बच्चे की मदद की, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि आपने हमारा और अपने वालदैन का नाम रोशन किया। मैं फख्र महसूस करती हूँ कि आप जैसा बच्चा हमारे स्कूल में है। बच्चों, हारिस ने हमें कुछ सिखाया है। क्या सिखाया है? कि नेक काम करने में जरा भी देर मत लगाओ। वेल डन हारिस, एक बार फिर हारिस के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, तुम्हारे लिए कोई पार्सल आया है। पार्सल मेरे लिए? किसने भेजा है? बेटा देख लो ना, उस पर लिखा होगा। किसने भेजा है बाद में देख लेगा बहू रानी, खोल के तो देखो इसमें है क्या। हाँ अम्मी, इसमें तो वही जैकेट है। मैडम आज हमारे लकी ड्रॉ का लास्ट डे है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। अगर आप इसमें शामिल होना चाहती हैं तो ये कार्ड फिल करके इस बॉक्स में डाल दीजिए। देखा हारिस, अल्लाह ताला नेकी का सिला इसी तरह से दिया करते हैं। देखते हैं कौन बनेगा चैंपियन। बोलो हारिस, हेड या टेल? टेल। देखना आतिफ, आज तो मैं इतने चौके छक्के लगाऊंगा कि 100 रन तो कहीं नहीं गए। पहला ओवर मैं करा रहा हूँ हारिस, ऐसा ना हो कि पहली ही बॉल पे तुम्हारी विकेट उड़ जाए। उफ, बाबर आजम वर्सेस टेल स्टेन। कोई बात नहीं। इस बॉल पे तुम्हें से आउट करके ही रहूंगा। शाबाश आतिफ, ऑफ स्विंग। कैच इट। हाँ, कहाँ गई? लगता है उसे बॉल नहीं मिल रही। चलो चलकर देखते हैं। हे, वो रही बॉल। अरे ये देखो, चिड़िया का बच्चा। हाँ, लगता है ये अपने घोंसले से नीचे गिर गया है। कैसे? हो सकता है किसी जानवर ने अटैक कर दिया हो इस पर। अगर इसे यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो बिल्ली खा जाएगी इसे। क्या करें फिर इसका? ऐसा करते हैं, इसे वापस घोंसले में रख देते हैं। हाँ, अच्छा, ये ठीक रहेगा। हारिस ये देखो, यहाँ मिट्टी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ जंप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ ये ठीक है। मेरा पैर। हारिस, क्या हुआ? हारिस क्या हुआ? मेरे पाँव पे कोई चीज लगी है बहुत जोर से। सुनो, यहाँ कुछ है। क्या है हारिस? ए, कौन है तुम लोग? ये क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं अंकल, हमारी बॉल यहाँ आ गई थी, बस वो ही ढूंढ रहे थे। बॉल छोड़ो,
और निकलो यहाँ से। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। भाई कैसा रहा आज का मैच और कौन जीता? ओह सॉरी दादा जान, मैं आपको सलाम करना भूल गया। सॉरी दादा जान। कोई बात नहीं बच्चों, सलाम में पहल तो कोई भी कर सकता है, छोटा हो या बड़ा। क्या बात है भाई, आज सब इतना चुप-चुप क्यों हैं? कुछ नहीं, बस थक गए हैं शायद। नहीं अम्मी, ये बात नहीं है। ग्राउंड में हमारी बॉल झाड़ियों की तरफ चली गई थी, जब मैं और आतिफ उसे ढूंढने गए। ए, कौन है तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ? अच्छा क्या बेटा, तुमने बता दिया, तुम लोग परेशान नहीं हो, हम देखते हैं। जराइम की दुनिया से आपको खबर देंगे कि शहर कराची के निजी बैंक में आज चोर बड़ी वारदात करने में कामयाब हुए और भारी रकम लेकर फरार हो गए हैं, जबकि पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से स्केचेस तैयार कर लिए हैं और उन्हें जारी कर दिया है। अबू, ये तो वही आदमी है। जी जी अंकल, ये वही है जो हमें मैदान में मिला था। अच्छा अच्छा, परेशान नहीं हो, मैं 15 पे कॉल करता हूँ। हेलो 15। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चलो ले जाओ इन्हें। एक बार फिर हारिस और उसके दोस्तों ने ये प्रूफ किया कि वो कितने बहादुर, अकलमंद और रिस्पॉन्सिबल हैं। दे हैव मेड ऑल ऑफ अस प्राउड, सो प्लीज क्लैप फॉर देम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत हब्स है आज बाहर। जी लगता है बारिश होगी आज। भाई क्या बन रहा है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आपके बेटे के ऑर्डर्स हैं। अम्मी मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, पास्ता बना दे, वो ही बना रही हूँ। और वो खुद कहाँ हैं? अपने रूम में है फ्रेंड्स के साथ। अच्छा फ्री हो जाए तो चाय बना दीजिएगा। आप फ्रेश हो जाए, मैं बना देती हूँ। चलो हारिस जल्दी डिसाइड करो कौन किसकी टीम में है। मेरी और अजीम की टीम है। नहीं अजीम मेरे साथ है। नहीं, तुम हमेशा ही अजीम को अपनी टीम में रखते हो क्योंकि वो अच्छा खेलता है। हारिस मैं और तुम हो जाते हैं, और राशिद और अजीम। यस चलो डिसाइड हो गया, अब गेम शुरू करते हैं। राशिद कौन सी टीम सेलेक्ट करें? अर्जेंटीना। और हमारी वन एंड ओनली ब्राजील। ओहो आतिफ ये क्या कर रहे हो? असीम से बॉल छीनो जल्दी, और जब मैं बोलूं तो मुझे पास देना। हाँ हाँ वही तो ट्राई कर रहा हूँ, अब बोलना नहीं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इस गेम का चैंपियन हूँ मैं, बॉल छीन कर तो दिखाओ। राशिद रेडी रहना। हाँ हाँ राशिद, गोल 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 गोल। ये गोल। अभी तो एक ही हाफ हुआ है, आगे तो खेलो।
चलो बच्चों, पहले कुछ खा लो फिर खेल लेना। अम्मी गेम खत्म होने ही वाला है, बस थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। ओह यस, गोल! शाबाश मेरे रोनाल्डो। अजीम गोल। ओ यार, चलो अब कुछ खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। हारिस बेटा, बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। आप सब फौरन निकले वहाँ से और जल्दी घर पहुँचे। जी अबू, ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ हारिस? अबू कह रहे हैं बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, शायद बारिश होने वाली है। चलो आओ देखते हैं। उफ, कितने काले बादल हैं। इससे पहले कि बारिश हो चलते हैं, वरना हर तरफ गंदगी हो जाएगी और घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे हो। एक मिनट रुको, ये छतरी अपने साथ ले जाओ, कहीं बारिश ना हो जाए। थैंक यू आंटी। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज आतिफ। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम आ गए, मैं बहुत परेशान हो रहा था। अब जल्दी जाओ चेंज करो और बाल अच्छे से खुश करना, वरना ठंड लग जाएगी। ठीक है अबू, जा रहा हूँ। अम्मी, यहाँ हूँ किचन में। अम्मी देखा कितनी तेज बारिश हो रही है बाहर? हाँ, तभी तो आज काम वाली भी नहीं आई। देखो किचन कैसे बिखरा पड़ा है। आप परेशान मत हो अम्मी, मैं आपकी हेल्प करूंगा। हाँ हेल्प बाद में कर लेना, पहले ये दूध पी लो। अच्छा अम्मी, मैं बर्तन धो देता हूँ, ऐसे जबरदस्त बर्तन धोऊंगा कि बस। हारिस, अच्छा ठीक है, धो लेना। भाई आप बर्तन धोएंगे? आप काम वाली है क्या? ये तो उनका काम है। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते, हाथ बटाना तो अच्छी बात है। चलें, अब आप भी मेरी हेल्प करें। सॉरी भाई। इट्स ओके। अम्मी, सैलेड मैं बनाऊंगी और खाना भी मैं ही लगाऊंगी। ठीक है, शाबाश। अरे वाह, टेबल तो बहुत अच्छी सजाई है, किसने किया है ये? अब्बा जान, ये सब आपकी लाडली ने किया है और हारिस ने किचन के सारे बर्तन धोए हैं। इन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है आज। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, जीते रहो मेरे बच्चों। यूं मिलके काम करना, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। अरे बहू, बच्चों ने इतना काम किया है, अब इनाम तो बनता है ना। थैंक यू दादा जान।
वैसे दादा जान, बारिश में कितनी मुश्किल हो जाती है। बेटा, बारिश तो अल्लाह की रहमत है, मगर हमारे यहाँ निकासी का निजाम सही नहीं है, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी और घरों का कूड़ा बाहर आ जाता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। जी अब्बा, आप सही कह रहे हैं। इस तकलीफ से बचने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कूड़ा कम से कम डस्टबिन में डालें। बिल्कुल अब्बू, हम सब दोस्त मिलकर एक कैंपेन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस देंगे कि कूड़ा बाहर ना फेंके, ताकि रास्ता साफ हो और काम वाली छुट्टी ना करे और हारिस मियां को बर्तन ना धोने पड़े। हारिस।